नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक पुलिस वाली लेडी ठग के बारे में, और ऐसी कॉन्स्टेबल पुलिस वाली नहीं, सब इंस्पेक्टर की ट्रेनी लेडी पुलिस वाली ठग के बारे में। जी हां दोस्तों, मामला है राजस्थान का। यहां आपको धोखा, जुर्म, जालसाजी का रास्ता पुलिस अकादमी में कैसे 2 साल तक एसआई की ट्रेनिंग लेती रही मोना। तस्वीर आप थंबनेल से लेकर साइड में देख रहे हैं। मोना कभी सूबे के सिंगम कहे जाने वाले एडीजी के साथ टेनिस खेलती थी, तो कभी पूर्व डीजीपी की बेटी की शादी में स्पेशल गेस्ट बनकर जाती थी, और कभी किसी कोचिंग सेंटर में जाकर पुलिस की परीक्षा कैसे क्रैक की जाए इस पर नए नए स्टूडेंट्स को ज्ञान की घुट्टी पिलाती थी। लेकिन उसका सच कुछ और ही था। सच इतना खतरनाक, इंसान का दिमाग सन्न हो जाए। एक लड़की राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए इम्तहान देती है। इसके बाद जब उसका रिजल्ट आता है तो वो लड़की खुशी खुशी अपने घर और गांव वालों को बताती है कि अब वो इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर बन गई है। इसके बाद अगले 2 साल तक वो राजस्थान पुलिस अकादमी में बाकायदा ट्रेनिंग लेती रही। दोस्तों ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद बारी आती है पोस्टिंग की, मगर जैसे ही पोस्टिंग की बारी आती है तो एक ऐसा खुलासा होता है जिसे सुनकर पूरी पुलिस अकादमी में हड़कंप मच गया। मोना वर्दी की धौंस भी अक्सर दिखाती थी। वो सूबे के एडीजी के साथ टेनिस खेलती थी, पूर्व डीजीपी की बेटी की शादी में गेस्ट बनकर जाती थी, कोचिंगों में जाकर लोगों को मोटिवेट करती थी, नए बच्चों को ज्ञान की घुट्टी पिलाती थी। कुल मिलाकर उसका रोब ऐसा था कि बड़े से बड़ा पुलिस अफसर भी गच्चा खा जाए। वो जब चाहे जिसे चाहे वर्दी की दोस्त धोस दिखाकर चुप करा देती थी। इसके साथ मोना ने दोस्तों इतने सालों तक पुलिस की आंख में धूल झोंकती रही। सोचिए, जिस पुलिस को देखकर फ्रॉड फर्जी आदमी की हालत ख़राब हो जाती है। मोना सुबह से शाम तक उन्हीं पुलिस वालों के साथ उठती बैठती थी। जो राजस्थान के डीजीपी एडीजी हैं, शायद एनएस दिनेश जी उनका नाम है, बड़े तेज तर्रार और बड़े सिंगम टाइप के और इतने फिट आदमी हैं, उनके जैसे जब इंसान को ये गच्चा देकर उनके साथ टेनिस खेलती रही, ये बताकर कि उस सूबे की नई ट्रेनी सब इंस्पेक्टर, तो बाकियों का तो आप लगा ही सकते हैं। और देखिए, मतलब 24 घंटे पुलिस वालों के बीच में रहना, ट्रेनिंग करना, कैंटीन में साथ बैठकर खाना खाना, हॉस्टल में रहना, मतलब हॉस्टल के आसपास रहना, ये सब काम करती रही। लेकिन एक दिन जब उसके रोब दाब ठसक, पुलिसिया चाल ढाल और वर्दी के तिलिस्म से पर्दा हटा, तो पता चला कि वो कोई पुलिस अफसर नहीं बल्कि नंबर एक की बंडलबाज लड़की है, जिसने राजस्थान पुलिस एकेडमी की कमियों का फ़ायदा उठाते हुए ना सिर्फ 2 साल तक फर्जी तरीके से पुलिस सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग ली, बल्कि इसी ट्रेनिंग के दौरान पुलिस वाली होने का ऐसा धमाल मचाया कि जब पोल खुली तो उसके संपर्क में आने वाले लोग सच जानकर हैरत में पड़ गए। पुलिस भर्ती परीक्षा में नाकाम हुई थी मोना। हम बात कर रहे हैं 23 साल की सातिर लड़की मोना बुगालिया की, जिस पर अब जालसाजी का आरोप है। अब आपको राजस्थान की इस लड़की का एक एक सच सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं, बस आप मोहतरमा की कारस्तानी सुन सुनकर हैरान होते रहिए। मोना नागौर जिले के निम्बा के बास गांव की रहने वाली हैं। दूसरी ढेरों लड़कियों की तरह मोना की आंखों में भी पुलिस की वर्दी पहनने का सपना बचपन से था। इस सपने को पूरा करने की खातिर उसने कोशिश भी की, उसने बाकायदा इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तैयारी की, इसका इम्तिहान भी दिया, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद वो इम्तिहान में पास नहीं हो पाई। और बस यहीं से उसके दिमाग ने साजिश का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया। मोना अपनी नाकामियों को हजम नहीं कर सकी दोस्तों, और उसने सब इंस्पेक्टर के तौर पर ना चुने जाने के बावजूद सोशल मीडिया पर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में पास कर जाने की खबर फैला दी और वाहवाही बटोरने लगी। बस इसी बधाई और वाहवाही के चक्कर में उस मुकाम तक पहुंचा दिया जहां से शायद पीछे लौटना उसके लिए मुमकिन नहीं था।
मोना के घर वालों के आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे, ऐसे में उसके साथ चुनौतियों से जूझकर कामयाबी हासिल करने का तमगा भी जुड़ गया। लोगों ने कहा कि इतने मतलब आर्थिक हालात ठीक नहीं थे, फिर भी देखो मेहनत करके इस मुकाम तक मोना पहुंच गए, और बस मोना धोखे, जालसाजी और जुर्म के रास्ते पर चल पड़ी। धोखे से एकेडमी में एंट्री ली, उसने राजस्थान पुलिस एकेडमी की ट्रेनिंग में अनियमिति का फ़ायदा उठाकर धोखे से वहाँ एंट्री ले ली। हमारा सिस्टम तो आप जानते हैं दोस्तों किस तरह का है, लूपहोल्स बहुत है, आसानी से आप एंटर कर सकते हैं किसी भी सरकारी संस्थान में। और हद देखिए कि पूरे 2 साल तक वहाँ बतौर चुनी हुई सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग भी करती रही। असल में राजस्थान पुलिस एकेडमी में आमतौर पर सब इंस्पेक्टर्स के लिए 2 तरह की ट्रेनिंग होती है, एक रेगुलर बैच की ट्रेनिंग और दूसरी स्पोर्ट कोटा वाली ट्रेनिंग। रेगुलर बैच की ट्रेनिंग 9 जुलाई 2021 को शुरू हुई थी, जबकि स्पोर्ट कोटा वाली ट्रेनिंग फरवरी 2021 से शुरू हुई थी। देखिए तब से ये ट्रेनिंग कर रही है, सोचिए यार दोस्तों। मोना को लेकर एकेडमी में कन्फ्यूजन था। कमाल देखिए कि मोना वक्त वक्त पर दोनों बैच के साथ ट्रेनिंग लेती थी, रेगुलर बैच के साथ भी और स्पोर्ट्स बैच के साथ भी। जब स्पोर्ट्स कोटे से ट्रेनिंग को लेकर उसे सवाल किए जाते तो वो कहती कि वो रेगुलर बैच की है, और जब उससे रेगुलर बैच की होने को लेकर सवाल किए जाते तो वो कहती कि वो स्पोर्ट्स बैच की है। एकेडमी में ट्रेनिंग करते करते उसे पता चल गया कि वहाँ IB के लोग भी ट्रेनिंग के लिए आते हैं। ऐसे में एक बार जब एक सब इंस्पेक्टर ने उससे कोटे को लेकर सवाल पूछा तो उसने बताया कि वो IB से है। इस तरह उसकी ट्रेनिंग को लेकर शुरू से ही एकेडमी में कन्फ्यूजन बना रहा। मोना ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। यहाँ IB की जो बात हो रही है, ये राजस्थान में अकेले इंडिया में अकेला राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है, यहाँ पर एक इंटेलिजेंस अपने इंटरनल स्टेट इंटरनल के लिए अलग से एक पुलिस की टुकड़ी होती है जिसे IB बोलते हैं। राजस्थान में राजस्थान पुलिस का ही वो एक अंग होती है। एकेडमी के मेन गेट से कभी एंट्री नहीं लेती थी मोना। दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि ट्रेनिंग के दौरान कभी तो कैंडिडेट्स की हाजिरी लगती होगी, कभी तो IC चेक किए जाते होंगे, रजिस्टर में उनके नाम की एंट्री होती होगी, तो आखिर मोना 2 सालों तक ट्रेनिंग लेती रही और एक बार भी किसी को उस पर शक क्यों नहीं हुआ? असल में मोना कभी इंडोर क्लास और एक्टिविटीज अटेंड नहीं करती थी, क्योंकि उसे पता था अगर वो क्लास में जाएंगी तो हाजिरी के दौरान उसकी पोल खुल जाएगी। इसी तरह जो भी ट्रेनिंग के लिए एकेडमी में आते हैं उन्हें वही हॉस्टल में रहना होता है, लेकिन चूंकि मोना का नाम चुने गए कैंडिडेट्स में नहीं था वो हॉस्टल में नहीं रह सकती थी, ऐसे में वो रोज़ाना ट्रेनिंग एकेडमी में आती और बाहर चली जाती। आने जाने के लिए भी उसने अनोखा तरीका ढूंढा था, वो ट्रेनिंग एकेडमी के मेन गेट से नहीं आती थी क्योंकि वहाँ IC चेक होता था, बल्कि इसके बदले वो उस गेट से एकेडमी में आती थी जहाँ से पुलिस अफसरों के परिवार जन यानी कि फैमिली मेंबर्स आते जाते थे। वर्दी पहनकर कैंटीन में अक्सर घूमती थी मोना। ट्रेनिंग एकेडमी में आने के बाद वो ज़्यादातर वक्त कैंटीन, स्विमिंग पूल, फैमिली क्वार्टर्स में गुजारती थी। एकेडमी की कैंटीन में वो बाकायदा वर्दी पहन कर जाती और नए नए सब इंस्पेक्टर से दोस्ती करती। एकेडमी का नियम यह है कि यहाँ चुने गए कैंडिडेट्स को अपनी वर्दी का खर्च खुद ही वहन करना पड़ता है, वर्दी कहीं से भी ली जा सकती है। तो मोना ने अपने लिए 2 यूनिफॉर्म बनवाई थी। पकड़े जाने के डर से ही मोना ने कभी भी सरकार की ओर से चुने गए सब इंस्पेक्टर को मिलने वाली प्रोबेशन पीरियड में 23,500 रुपये की सैलरी लेने की भी कोशिश नहीं की, और उस तरह इसका गोरख धंधा लगातार चलता रहा। देखिए मोना ने कभी सैलरी ना तो ली और ना लेने का प्रयास किया, क्योंकि सैलरी उनको मिल ही नहीं सकती थी क्योंकि वो चयनित लिस्ट में थी ही नहीं। पूरे 2 साल तक मोना ने हर जगह वर्दी का पूरा फ़ायदा उठाया। वो कभी सोशल मीडिया पर वर्दी में अपनी तस्वीरें पोस्ट करती थी, कभी किसी मंदिर में दर्शन के लिए जाती तो वह VIP एंट्री करती थी, 26 जनवरी और 15 अगस्त जैसे मौक़ों पर प्रोग्राम में चीफ गेस्ट बनकर जाती थी मोना। लोगों को अपनी झूठी कामयाबी की कहानी सुनाकर प्रभावित करती थी, पुलिस अफसरों से जान पहचान बनाकर अपना काम निकलवाती थी, और तो और DG और ADG रैंक के अफसरों के साथ उसने तस्वीरें खिंचवाई थी। वो पूर्व DG
एमएल लाठर की बेटी की शादी में भी शामिल हुई थी। शॉपिंग के दौरान वे दुकानदारों पर भी अपने प्रभाव का पूरा इस्तेमाल करती थी। व्हाट्सएप ग्रुप में धमकी देना एक दिन मोना को भारी पड़ गई। अब मोना पकड़ी कैसे गई इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब सवाल यह था कि आखिर मोना की पोल कैसे खुली, तो इसके जवाब जानने के लिए पहले ट्रेनिंग के फॉर्मेट को आप समझिए, जो हमने आपको बताया था कि ट्रेनिंग तीन तरह की होती थी, बेसिक, फील्ड और सैंडविच। बेसिक फील्ड की ट्रेनिंग के बाद 11 से 23 सितंबर तक सैंडविच ट्रेनिंग होनी थी। इसके बाद जब ज्वाइनिंग लेटर मिलने थे, मोना दोनों ट्रेनिंग के दौरान टाइम पास करने के बाद सैंडविच ट्रेनिंग अटेंड करने आई थी। एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे सब इंस्पेक्टर्स ने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था, जहां मोना की एक सब इंस्पेक्टर से बहस हो गई और मोना ने तब उसे एकेडमी से निकलवा देने की धमकी दे डाली। बस यहीं से उसकी पोल खुलनी शुरू हो गई। मतलब कि उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप था, व्हाट्सएप ग्रुप में एक ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को, ओरिजिनल वाले को, मोना ने धमकी दे डाली। फिर वो उसकी, अब इसके बाद देखिए पोल खुलने की पूरी है। असल में जिस सब इंस्पेक्टर को मोना ने धमकी दी थी, उसी ट्रेनी एसआई ने उसके बारे में पता लगाना शुरू कर दिया। लेकिन उसे हैरत हुई कि मोना का नाम किसी भी कोटे की लिस्ट में था ही नहीं, ना रेगुलर कोटे में और ना ही स्पोर्ट्स कोटे में। इसके बाद उस ट्रेनी एसआई ने पुलिस एकेडमी के अधिकारियों से मोना की शिकायत की। तब जाकर अधिकारियों को एहसास हुआ कि मोना फर्जीवाड़ा कर रही है। फौरन उन्होंने मोना के खिलाफ शास्त्री नगर थाने में रिपोर्ट लिखवा दी। मुकदमा दर्ज होते ही मोना फरार हो चुकी थी। मोना तो उस पंछी की तरह थी, उड़ गई जो चिड़िया की तरह। पुलिस एकेडमी के अफसरों की तहरीर पर पुलिस थाने में मोना के खिलाफ IPC की धारा 419, 468, 469 और 66 DIT Act और राजस्थान पुलिस एक्ट की धारा 61 के तहत केस दर्ज कर लिया गया। लेकिन इससे पहले ही पुलिस मोना को पकड़ पाती, वो वहां से 76 हो गई, 911 हो गई। मोना कहां हाथ आने वाली है। मोना अब राजस्थान पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इस घटना के बाद राजस्थान पुलिस अकादमी पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो ये मोना की कहानी उस वाली मोना से तो नहीं है जो पुराने प्रेम चोपड़ा वाली फिल्मों में होती थी, वो भी मोना बड़ी शातिर होती। तो ये पूरी कहानी आपको कैसी लगी और आप मोना के बारे में क्या ख्याल रखते हैं, आपके क्या विचार हैं और राजस्थान पुलिस और राजस्थान पुलिस की व्यवस्था के बारे में आपकी क्या राय है, वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।